अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग अल फजर मीडिया विद एमन हमीद। आज एक ऐसे प्रोजेक्ट मैं लाई हूँ जिसके बारे में आज मैं कंप्लीट लोकेशन वाइज वीडियो बनाऊंगी, आपको लाइव विजिट कराऊंगी। एक्वा सिटी इस्लामाबाद, एक्वा सिटी इस्लामाबाद जो कि एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। इसमें जिन्होंने भी अब तक परचेजिंग की है, प्लॉट अवेल किया है, उनको बहुत बेस्ट रिटर्न और बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलेंगे। तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि हम अभी फैज़ाबाद स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ से हम इंशाल्लाह एक्वा सिटी की तरफ रवाना होने वाले हैं। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह कंप्लीट लोकेशन लाइव वीडियो आपके साथ आज हम शेयर करेंगे और एक्वा सिटी पहुँच के वहाँ जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स हमारे साथ रहिए, एक्वा सिटी की तरफ हम रवाना होने वाले हैं। लथरार रोड हम पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लथरार रोड को टूरिज्म हाईवे का दर्जा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एजुकेशन साइट पे जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है। आगे लथरार रोड पे जो है यहाँ त्रामड़ी चौक का पॉइंट आता है जहाँ से एक्वा सिटी 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाकिया है। देख सकते हैं यहाँ रोड जो है वो पहले सिंगल था, अब इस रोड को डबल कर दिया गया है। इस पे काम जारी है टूरिज्म हाईवे का दर्जा देने के बाद। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट आ रहा है जिसको कोटली सथिया के नाम से जाना जाता है और ये बोर्ड आप देख सकते हैं यहाँ से मुख्तलिफ जगहों के लिए रास्ते गए हुए हैं। व्यूवर्स, एक्वा सिटी बिल्कुल मलिक रियाज के प्रोजेक्ट्स बहरिया इंक्लूव, गोलबर्ग ग्रीन और DHFS 7 की सरसब्ज पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ आपको और आगे लेके जाएं तो निलोर फैक्ट्री आती है। निलोर फैक्ट्री से एक्वा सिटी 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाकिया है। मेन चिरा चौक पर जो है एक्वा सिटी लोकेटेड है। आगे एक्वा सिटी इंशाल्लाह पहुँच कर आपको और भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम वहाँ पहुँच के प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी तो व्यूअर्स,
एक्वा सिटी हम पहुंच चुके हैं। एक्वा सिटी की जो लोकेशन थी उसकी कंप्लीट डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, स्टेप बाय स्टेप फैजाबाद स्टेशन से लेकर एक्वा सिटी तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं यहाँ मौजूद हूँ एक्वा सिटी इस्लामाबाद, जहाँ आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत मंजर है, ग्रीनरी है मेरे चारों तरफ। और अगर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जाए तो एक्वा सिटी के चारों एतराफ़ जो है आबादी है और ये नहायत ही प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड हैं। एक्वा सिटी की बात की जाए तो एक्वा सिटी बहुत ही अफोर्डेबल चीप प्राइसेस में प्लॉट आपको अवेल कर रहा है। एक्वा सिटी में 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला एक केनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 4 मरला, 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स साइजेस अवेलेबल है। जिसमें 3 मरले प्लॉट की बात की जाए तो 3 मरला की टोटल पेमेंट जो है वो 8,50,000 है विद 1,20,000 डाउन पेमेंट विद इजी 6,000 मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ। एक्वा सिटी नेचुरल लुक देता है, ग्रीनरी हर तरफ नेचुरल कुदरती निज़ाम है। और यहाँ पर अगर किसी ने प्लॉट परचेज ना किया तो किसी और सोसाइटी में बुकिंग करने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। ऐसी ग्रीनरी से भरी हुई सोसाइटी कहीं और मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगी। व्यूअर्स, एक्वा सिटी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स अवेल करता है और कैश पर भी आप यहां पर बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने एक्वा सिटी में अब तक बुकिंग नहीं की, परचेजिंग नहीं की, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अल्फजर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग कंपनी के साथ आज ही रब्ता करें, हमारे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं आप और हमारे साथ आज ही एक्वा सिटी में अपना मनचाहा प्लॉट बुक करवाएं। तो व्यूअर्स, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, एक्वा सिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह व्यूअर्स, फिर मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।